भिंगड़िया जमीन विवाद में 3 हत्याओं के 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 बाल अपचारी भी निरुद्ध। 2 जुलाई 2024 को पिलानी के धिंगड़िया गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्याओं के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब घटना का विवरण क्या है वो आपको बताते हैं। 2 जुलाई को प्रार्थी विकास पुत्र बाबूलाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उनके परिवार के देवेंद्र, पुनीत, सरोज, पवन, सुलोचना, नेहा, टीना, अदिता, कुकी, सावरमल और पुनीत की पत्नी और 2 अन्य व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर एक राय होकर हाथों में कुल्हाड़ी, चाकू और बर्छी लेकर प्रार्थी के खेत में घुस गए और जबरदस्ती खेत को जोतने लगे और उसके भाई और पिता ने उन्हें खेत जोतने से मना किया और समझाइश करने लगे। तभी अचानक सभी प्रार्थी और उसके भाई सोनू और पिता बाबूलाल और माता सरिता की कुल्हाड़ी व चाकू व बर्सी से मारपीट कर दी। मारपीट से सोनू, बाबूलाल और सरिता की मौत हो गई। विकास और प्रियंका गंभीर रूप से घायल हो गए। अब पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है वो आपको बताते हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया और घटना स्थल से साक्ष्य संकलित किए गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया है। गिरफ्तार आरोपी इस प्रकार हैं: सावरमल पुत्र नेत्राम, उम्र 55 साल निवासी धिंगड़िया, सरोज देवी पत्नी रामुतार, उम्र 55 साल निवासी धिंगड़िया, सुलोचना देवी पत्नी पवन कुमार, उम्र 40 साल निवासी धिंगड़िया, देवेंद्र पुत्र रामुतार, उम्र 33 साल निवासी धिंगड़िया, पुनित पुत्र रामुतार, उम्र 30 साल निवासी धिंगड़िया आदि को गिरफ्तार किया गया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस क्या कर रही है वो भी आपको बताते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। बाल अपचारियों को बाल न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। सेखावाटी क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत के चलते किसानों का धरना 192वें दिन भी जारी रहा। किसान सभा के बैनर तले तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इस आंदोलन में कई प्रमुख नेता और किसान शामिल हो रहे हैं। राजकुमार यादव, जो 50 किलोमीटर दूर खांडवा से आए थे, उन्होंने बताया कि 1994 के नहर समझौते के अनुसार सेखावाटी क्षेत्र को 2000 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था, लेकिन अब बढ़ती जनसंख्या के साथ ये 4000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है जो मिलना चाहिए। सरकार की उदासीनता के कारण किसानों और आमजन में भारी आक्रोश है और बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। द बोन एंड जॉइंट केयर का उद्घाटन चिड़ावा के सरकारी अस्पताल के सामने किया गया। पायल अस्पताल की ओर से संचालित द बोन एंड जॉइंट केयर का उद्घाटन एक्स आर्मी मैन सूबेदार सुल्तान सिंह यादव ने फीता काट कर किया। अस्पताल के डॉक्टर अल्केश वर्सानी ने, जो कि जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर पूजा भंडारी, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अस्पताल में संचालित सुविधाओं के बारे में जानकारी दी है। संचालक सोनू यादव द्वारा निःशुल्क ओपीडी के बारे में बताया गया है। इस मौके पर डॉक्टर मनोज जानू, डॉक्टर राहुल पूनिया, डॉक्टर पायल, डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, वीरेंद्र लमोरिया, पूजन कुमार, सुरेंद्र डाबला, अखिल सुरेंद्र बलवदा, अशोक शेखावत, प्रमोद यादव, मंजित मान, दिलीप सैनी, उमेश बलवदा, सुरेंद्र कुलहरी, टिंकू रवि जांगिड़, सुभाष यादव आदि मौजूद रहे। चिड़ावा के एपीएस स्कूल में स्पोर्ट्स अकेडमी का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तम सैनी, अध्यक्ष राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन, ने फीता काटकर अकेडमी का उद्घाटन किया। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में आरिफ मोहम्मद, कोच टेनिस बॉल एसोसिएशन राजस्थान, महेश सिंह बीसीसीआई कोच और कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला जनसंपर्क अधिकारी इमानसु सिंह मौजूद रहे। अकेडमी का निरीक्षण करते हुए अतिथियों ने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और उनकी प्रशंसा की। इस अवसर पर एपीएस स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर पायल और डॉक्टर करण सिंह ओला ने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत ही खूबसूरत एकेडमी एपीएस स्कूल ने बनाई है। बहुत ही मतलब कम समय में स्कूल स्टार्ट हुआ है, सेकेंड ईयर ही है, और आपने स्पोर्ट्स के बारे में भी ये सब बातें सोच रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ जहाँ एक तरफ सभी लोग पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, ऐसे समय में आप फिजिकल वर्क को भी आप लेके चल रहे हैं, जो कि शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ जब दोनों मिलेंगी
तो निसंदेह एक दिन APS स्कूल बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। मैं बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और बहुत अच्छी सुंदर एकेडमी इन्होंने ऐसे क्षेत्र में बनाई है जो ना केवल यह स्कूल के बच्चों को बल्कि आसपास के जितने भी रहने वाले बच्चों को एक वाइब्रेशन पैदा करेगी स्पोर्ट्स के प्रति। और ग्राउंड क्या होता है कि ग्राउंड को देखकर बहुत सारे लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं गेम्स के लिए। तो इतनी सुंदर एकेडमी को देख के ना केवल सब यहाँ स्कूल के बच्चे बल्कि आस पड़ोस के बच्चे या हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस एकेडमी को देखकर। तो मैं बहुत बहुत यहाँ के पूरे मैनेजमेंट परिवार को और प्रिंसिपल सर को और सभी कोचेज साहिबान को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि इन्होंने इतनी सुंदर एकेडमी ऐसे क्षेत्र में बनाई है। मैं बधाई देता हूँ।